हेलो दोस्तों, मेरे पास आज नथिंग फ़ोन 2 और आज क्या करने वाले हैं, फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट, जो कि 100% से लेके हम यहाँ पर 0% तक करेंगे। और हमारे फ़ोन में यहाँ पर लेटेस्ट वर्ज़न का अपडेट आया था, जो कि वर्ज़न 2.0.1 है। हमने अपडेट भी कर दिया है और चूँकि इसका न्यू बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, तो अगर आप नथिंग फ़ोन 2 के यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, मतलब फ़ोन लिए हुए हैं, तो भाई यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हम फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। जो हमारा अभी बैटरी परसेंटेज है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने फ़ोन को फुल चार्ज किया था। तो आप बैटरी में जाएंगे तो भाई यहाँ पर हमारा 99% बैटरी है, 1% ड्रॉप हो गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ सेटअप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे बैटरी ड्रेन टेस्ट और चलते हैं डायरेक्ट टेस्ट के पास। तो हम यहाँ से पहले टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं और ये हम 19% बैटरी है, मान के चलिए 100% ही। और हम पहले करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि 1:2:2 बेंचमार्क टेस्ट होगा और यहाँ पर गिगाबेस्ट टेस्ट होगा, देखेंगे कितना स्कोर लेकर आता है। और जब तक ये 1:2:2 टेस्ट करेंगे तब तक यहाँ पर आप वीडियो में इंजॉय करिए। पर हमारा गीगबेंच 6 का स्कोर आ चुका है नथिंग फोन 2 का और 20 मिनट से ऊपर हो चुका है। हमने परफॉर्मेंस टेस्ट कर दिया है, जो कि 1:2:2 एक बार किया था और गीगबेंच 6 भी एक बार। तो जो बैटरी बैकअप है यहाँ पर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो स्कोर आप देख लीजिए, सिंगल कोर स्कोर काफ़ी अच्छा है और जो मल्टी कोर काफ़ी अच्छा है, और अपडेट के बाद भी और जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और वहीं बात करूँ इसके बैटरी की, मैं आपको एक बार बैटरी में जाके दिखा दूँ, 95% बैटरी यहाँ पर बचा हुआ है। और मैं यही बात करूँ तो हम नेक्स्ट टाइम पर 2 आवर का वीडियो प्लेबैक करेंगे, जो कि यूट्यूब पे, और उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं कि कितना बैटरी बचता है नथिंग फोन 2 में। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब में जाकर, जो कि रोटी बन गई, हम यहाँ पर एक 4K वीडियो चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नथिंग फोन 2 में 2 आवर प्लेबैक हो चुका है, जो कि वीडियो प्लेबैक हुआ था। और हम आपसे बोले थे कि 2 आवर 22 मिनट के बाद आसपास इसका टाइम ओवर हो जाएगा, और 2 आवर 21 मिनट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो नथिंग फोन 2 है इसमें भाई यहाँ पर 2 आवर वीडियो, यानी कि यूट्यूब पर हमने वीडियो प्ले किया। और मैं आपको बैटरी सेक्शन में जाकर दिखा दूँ एक बार, इसका बैटरी रिमेंस अभी 85% पे स्टिल ओपन है, काफ़ी भाई यहाँ पर अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। और हम इसका इसके बाद करने वाले हैं, जो कि हमने यूट्यूब प्लेबैक कर दिया है 2 आवर का, इसके बाद करेंगे गेमिंग टेस्ट 2 आवर का, देखते हैं उसमें कितना ड्रॉप आता है देखने के लिए। और BGMI खेलेंगे, देखते हैं क्या यहाँ पर
नथिंग फोन टू गेमिंग में कितना बैटरी ड्रॉप करती है। तो सीधा मिलते हैं आपको इसके 2 आवर गेमिंग यानी कि BGMI ड्रेन टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर गेमिंग का एटलीस्ट 2 आवर होने वाला है और मान के चलिए हो ही गया है। और जो हमने BGMI गेमिंग यहाँ पर खेला है काफ़ी अच्छा से और काफ़ी स्मूथ गेम प्ले देने को मिला है हमें नथिंग फोन टू से। और भाई मैं आपको एक बार सेटिंग्स दिखा दूँ क्योंकि बहुत ही लोग पूछते हैं कि आपने किस सेटिंग्स पे खेला। तो हम यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे हमने गेम प्ले किया है पूरा 2 घंटे का। और जो हमारा ब्राइटनेस था वो 60-50 मान के चलिए 60% पे था और जो साउंड था वो मीडियम लेवल पे था। तो मैं मान के चलूँ भाई यहाँ पर 2 आवर गेमिंग होने वाला है BGMI का। और जो रूम का फ़ैन था वो ऑन था और फ़ोन उतना मतलब 40-44 तक यहाँ पर हीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि BGMI से रिलेटेड है। वहीं बात करूँ बैटरी की तो हमने 86% स्टार्ट किया था BGMI खेलना और 2 आवर तक। तो मैं आपको अगर लेके चलूँ बैटरी सेक्शन में से कितने बैटरी अभी रिमेंस हैं तो भाई नथिंग फोन टू बैटरी सही में मुझे इम्प्रेस यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर हायर बैटरी यूज यहाँ पर चूँकि ऊपर पैनल में नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम बैटरी यूज में जाएंगे तो भाई काफ़ी यहाँ पर बैटरी बैकअप 4 आवर 44 मिनट का यहाँ पर बैटरी बैकअप दे चुका है। और वहीं से हम जाएंगे यहाँ पर तो बैटरी जो है 47% चूँकि यहाँ पर बैटरी बचा हुआ है। और जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो 4 आवर 19 मिनट हमारा टाइमर यहाँ पर बोल चुका है। तो काफ़ी बैटरी अच्छा चल रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू से क्योंकि हमने 20 मिनट ही किया था शुरू में और हमें 1 घंटा करना है क्योंकि मिनिमम 1 घंटा ही हम लेके चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्योंकि हम यहाँ पर 20 मिनट का पहले यहाँ पर CPU थ्रोटल रन करेंगे अपने फ़ोन में। तब तक आप वीडियो में यहाँ पर बने रहिए और इन्जॉय करिए। तो हमारा 40 मिनट का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट हो चुका है और पहले हमने 20 मिनट किया था तो 1 आवर का भी ये हमने डन कर दिया। और जो बैटरी परसेंटेज है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ एक बार फिर से क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये नथिंग फ़ोन टू 38% पे आ चुका है और 48% पे हमने इसे स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस टेस्ट और 10% का यहाँ पर ड्रॉप आपको देने के लिए मिला है परफॉर्मेंस टेस्ट में। अब हम करने वाले हैं सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट जो कि हम यहाँ पर 1080 पिक्सल पे करेंगे और यहाँ पर 1 आवर तक देखते हैं यहाँ पर कितना ये बैटरी ड्रेन करता है। तब तक आप वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर 1 आवर का वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट भी हमने कर दिया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि 1 आवर प्लस हो चुका है और जो हमारा स्क्रीन ऑन टाइम है वो 6 आवर के आसपास है नथिंग फोन टू का। और हम यहाँ से वीडियो को अब पॉज कर देंगे और जो बैटरी अभी रिमेन है नथिंग फ़ोन टू में आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ वो 23% है यानी कि हैवी टास्क के बाद भी कैसे यहाँ पर 6 आवर बैटरी बैकअप दे चुका है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये नथिंग फ़ोन टू। और मैं यहाँ पर सारे चीज़ टेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आगे बढ़ूँगा सोशल मीडिया। हमारे पास एटलीस्ट 23% बैटरी यहाँ पर रिमेन हो चुका है और मैं यहाँ से सोशल मीडिया ऐप यूज़ करूँगा 1% बैटरी तक। देखते हैं कितना देर तक ये फ़ोन सर्वाइव कर पाता है और कितना बैकअप दे पाता है। तो चलिए जल्दी से हम अपना सोशल मीडिया ऐप यूज़ करेंगे और डायरेक्ट मिलते हैं इसके फाइनल रिजल्ट के पास। तो हमने यहाँ पर नथिंग फोन टू का लास्ट स्टेज पूरा कर लिया है जो कि सोशल मीडिया ऐप था। हम 25% से यहाँ पे इसको स्टार्ट किए थे और अभी 5% है। और मैं आपको बताने वाला हूँ नथिंग फोन टू भाई बैटरी बैकअप कितना चला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 7 आवर 17 मिनट यानी कि काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप है इसका। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी यूज में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नथिंग फ़ोन टू ने दिया है। हैवी ऐप हमने यूज़ किया और काफ़ी यहाँ पर मतलब मैं आपको एक बार स्क्रीन टाइमर भी दिखा दे रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा नथिंग फ़ोन टू ने बैटरी बैकअप दिया है और 5% एटलीस्ट है। तो मान के चलिए कि 7.5 आवर आप आराम से इजीली ले सकते हो नथिंग फ़ोन टू के साथ 1 डे आराम से। और जो अपडेट है नथिंग OS का 2.0.1 वो भी आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसके बाद
बैटरी और अच्छा चल रहा है जैसे कि मेरा फ़ोन दिया है और मैंने इसे सक्सेसफुली अपडेट किया था। तो इस वीडियो में इतना ही था, और नथिंग फ़ोन 2 के बारे में अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई काफ़ी ही बढ़िया है ये, बैटरी बैकअप में आप आराम से ले सकते हो। इसके प्राइस रेंज में भाई इतना बैटरी बैकअप कोई नहीं देगा, जो कि 47 यहाँ पर 100 mAh बैटरी के साथ आता है और काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है नथिंग फ़ोन 2 का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।